चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन के बारे में। तो मल्टीविटामिन क्या होता है? तो मल्टीविटामिन वो मेडिसिन है जो आपके डॉग के ग्रोथ में मदद करता है। आप जो भी डाइट देते हो उससे डॉग्स को ग्रोथ लेने के लिए जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, तो उसे ही हम लोग फुलफिल करने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन देते हैं। और मल्टीविटामिन आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको मल्टीविटामिन ज़रूर देना चाहिए। तो कौन सा मल्टीविटामिन देना चाहिए उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका रिजल्ट 100% है और जिसमें आप पैसे लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट भी मिले, ऐसा मल्टीविटामिन आपको देना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा मल्टीविटामिन बेस्ट है जो आपके डॉग के लिए अच्छा काम करता हो, उसको अच्छा ग्रोथ देता हो। तो सबसे पहले नंबर में आता है प्रोविबूस्ट, प्रोविबूस्ट मल्टीविटामिन। ये मल्टीविटामिन जो है तीन टाइप में आता है। एक 45 डेज से पपी 45 डेज से जो नीचे के पपी है उसके लिए आता है, जिसे प्रोविबूस्ट ड्रॉप बोलते हैं। उसको आपको कैसे देना है आप यहाँ देख सकते हो, मैं खोल देता हूँ। ये है प्रोविबूस्ट ड्रॉप, आप छोटा सा बोतल में आप देख रहे होंगे। इसे आपको कैसे देना है? तो जो पपी 45 दिन से नीचे के होते हैं उसको सुबह खाने के बाद 1 ml पिला देना है। इसमें ड्रॉप दिया जाता है, ड्रॉप से 1 ml, और रात को खाने के बाद 1 ml। मल्टीविटामिन जो है वो 2 ही बार दिया जाता है, दिन में सुबह और रात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब आपका पपी अगर 45 दिन से ऊपर का हो तो आपको कौन सा मल्टीविटामिन देना चाहिए। तो प्रोविबूस्ट में ही आता है इसका 250 ml या 500 ml, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसको आपको क्या करना है, अगर 90 दिन से कम का है और 45 दिन से ऊपर का आपका पपी है तो आपको लगभग 5 ml मॉर्निंग खाने के बाद और नाइट में खाने के बाद देना है। आप खाना में भी उसे मिला सकते हैं। और इसका 500 ml भी आता है जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। और जब आपका पपी 3 महीने से ऊपर का हो जाता है तो आपको 10-10 ml देना है। तो ये है मल्टीविटामिन, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। मेरा लगभग 10 साल से मैं अपने डॉग्स को दे रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा आइडिया है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपको कौन सा मल्टीविटामिन देना सही है। तो प्रोविबूस्ट मेरे लिस्ट में पहले नंबर में, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर में आता है मल्टी स्टार पेट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मल्टी स्टार पेट आप यहाँ देख सकते हो, इसकी भी रिजल्ट अच्छी खासी है। ये मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर में आता है। इसे भी आप खाने के बाद सुबह और रात में खाने के बाद 5-5 ml दे सकते हो, अगर आपका पपी जो है 45 दिन से ऊपर और 90 दिन से बीच का है तो आपको ये 5 ml देना है। और जब 90 दिन के ऊपर का हो जाता है तो आपको 10 ml देना है सुबह और रात खाने के बाद, और खाने में भी आप मिला सकते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं कि डॉग्स खाने में मिला देने से खाना नहीं खाते हैं, तो वैसे में आपको वेस्ट ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ खाने के बाद, नहीं तो आप खाने में मिला दे सकते हैं। प्रोविबूस्ट जो कि मैंने पहले दिखाया वो मल्टीविटामिन अगर आप खाने में मिला देंगे तो डॉग्स उसे अच्छी तरह खाता है, बहुत वो अच्छे मल्टीविटामिन, और डॉग्स को भी पसंद आता है। तीसरे नंबर में आता है मेरे लिस्ट में, है तीसरे नंबर में जिपफिट। ये जिपफिट जो है ये भी काफ़ी अच्छा मल्टीविटामिन है और बहुत से वेट इसे ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये मेरे लिस्ट में तीसरे नंबर में आता है। मुझे पहले, और मैंने जो पहले बताया प्रोविबूस्ट और मल्टी स्टार पेट, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। तीसरे नंबर में मेरे लिस्ट में आता है जो कि जिपफिट है, ये ठीक ठाक है। अगर आपको वो दोनों नहीं मिल रहा तो आप इसे दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी ठीक है, काम चलाओ है, ठीक है, आप इसे भी दे सकते हो। फिर मेरे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है, इसे भी जो ये जिपफिट है इसे भी आप सेम देना है। 45 दिन से कम का है तो 5 5 ml, और 45 दिन से 90 दिन से ऊपर का है अगर आपका पपी तो 10 ml देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक आता है पेटअप प्रो। ये सब एक बस ऐसे ही कंपनी निकाल रही है, वैसा कुछ खास मुझे इसका रिजल्ट लगा नहीं, लेकिन ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप बहुत आउटर एरिया में रहते हो, अगर वो सब नहीं मिल रहा तो आप इसे दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो कौन आपको मल्टीविटामिन नहीं देना चाहिए। देखिए मैं ना तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट बिल्कुल ही बेकार है। उसका नाम है बीफर टॉप 10। इसे आप अपने डॉग्स को ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं मिल रहा ये बाकी मल्टीविटामिन तो एक दो दुकान खोज ले, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये इसका रिजल्ट उतना खास मुझे लगा नहीं है, तो ये मेरे लिस्ट में है ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और टैबलेट अगर आपको देना है अपने डॉग्स को, तो सबसे अच्छा जो टैबलेट है ना वो है न्यूट्रिश टैबलेट, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है न्यूट्रिश टैबलेट, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मेरे पहले नंबर में था वो सीरप फॉर्म में था। ये है
टैबलेट फॉर्म में, ये भी मेरे लिस्ट में देखा जाए तो पहले नंबर में ही अगर आपको टैबलेट देना है, तो टैबलेट में क्या होता है कि आपको अगर आप दे देंगे तो वो खुद खा लेगा। सिरप में कि आपको मुंह खोल कर पिलाना होगा या खाना में मिलाना होगा, कभी कभी डॉग्स नहीं भी खाते। तो टैबलेट अगर देना है तो आप न्यूट्रिस दीजिए, इसका 60 टैबलेट वाला भी बॉक्स आता है, 30 टैबलेट वाला भी बॉक्स आता है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और इसे दिन में बस एक बार देना है, ऐसा नहीं कि सुबह और रात देना है, बस दिन में आप एक बार दीजिए। ये बहुत है, बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है। तो आज हम लोग बात किए हैं मल्टीविटामिन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा आपको कैल्शियम देना चाहिए, और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको लीवर टॉनिक कौन सा देना चाहिए, किसका बेस्ट रिजल्ट है अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है। सिर्फ बहुत से लोग बोलते हैं कि चिकन खा लेता है, चावल नहीं खाता है, तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा आपको कि कौन सा मल्टीविटामिन देंगे तो आपको ये सब सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी मेरे चैनल में न्यू है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपको किसी वेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो बहुत सारा अच्छा खासा जो वेट के पास चार्ज लग जाता है फी, वो आपका बच जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन अपने डॉग्स को कंटिन्यू नहीं देना है। अगर आप एक बोतल चला लेते हैं तो फिर आपको 1 महीने का गैप दे देना है, और फिर उसके बाद आपको चलाना है। और बच्चे से ही आप मल्टीविटामिन चलाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है मल्टीविटामिन चलाने के बाद, आपका जो पपी का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है। धन्यवाद।